कैमरून ग्रीन के ओवर की अंतिम गेंद बाउंस होती जिसको कि जॉनी बेयरस्टो ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से डक कर दिया और विकेट कीपर एलेक्स कैरे ने उस गेंद को लपकते ही तेजी से थ्रो कर दिया विकेटों की तरफ जो कि सीधे स्टंप्स पर जाकर के लगी और जॉनी बेयरस्टो अपनी क्रीज के बाहर थे, जिसके बाद एक्शन रिप्ले में देख करके थर्ड अंपायर ने उनको आउट घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों नियम क्या कहते हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो बैट्समैन को अपनी क्रीज छोड़ने से पहले फील्डिंग टीम के किसी फील्डर को सूचित करना होता है, लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने अपनी क्रीज छोड़ने से पहले क्रीज के अंदर ही अपना पैर रगड़ दिया था, जिसके बाद क्रीज के वो बाहर गए थे। और क्रीज के अंदर पैर रगड़ने का मतलब ये होता है कि बैट्समैन अपनी क्रीज छोड़ने जा रहा है, जो कि एक सूचना की तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद एलेक्स कैरे ने थ्रो किया और अंपायर ने उसको रन आउट घोषित कर दिया। हालांकि अंपायर के इस फैसले के पक्ष में पैट कमिंस ने अपना स्टेटमेंट मैच के बाद जारी किया है। उनका कहना यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमने खेल भावना के विपरीत कहीं पर कोई फैसला लिया यहां पर और जॉनी बेयरस्टो को आउट करना उन्होंने जायज ठहराया है। हालांकि इसके विपरीत इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना यह था कि मैं अंपायर के फैसले को चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन इस प्रकार से किसी खिलाड़ी को आउट करके मैं मैच जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन इसके विपरीत रविचंद्रन अश्विन ने 200 ट्वीट करके ऑस्ट्रेलिया के इस आउट के फैसले का समर्थन किया। उनका कहना यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो भी किया है वो नियमों के दायरे में रहते हुए किया है। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।